फर्जी ऋण पुस्तिका मामले में न्यायालय में आरोपियों को मिली जमानत के बाद अब इंदौर क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से जमानतदारों की सूची मांगी है, जो लगभग 10 वर्षों से सक्रिय था, जहां बेरोजगारों युवकों की टीम तैयार कर उन्हें फर्जी जमानत देने के लिए तैयार करता था, जहां फर्जी ऋण पुस्तिकाएं तैयार की जाती थी। पुलिस ने 1000 ऋण पुस्तिकाएं और फर्जी शासकीय रबड़ सील बरामद की थी। मामले में लगभग 21 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है, कई अन्य गिरोह के साथियों की तलाश जारी है। वहीं पूरे मामले में आने वाले दिनों में करीब 100 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है। उसमें अभी तक हम लगभग 21 आरोपियों का उसमें हम पकड़ चुके हैं। ये सभी दलाल हैं जो कि ऋण पुस्तिकाएँ का इस्तेमाल करके जमानतदारों को खड़ा करके और जमानतें कराते थे। इसमें अभी जो है आगे और इसमें जांच पड़ताल चल रही है, और जैसे जैसे हमारे सामने दलाल सामने आ रहे हैं उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें अभी हमने राजस्व से और न्यायालय से दोनों जगह से जानकारी मांगी हुई है, और उसमें पूरा जो है अन्य ऐसे दस्तावेज सारे मांगे जा रहे हैं जिनके आधार पर बेल दी गई है, और उसके आधार पर जो जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कुछ निश्चित ही इसमें जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, जिनका रोल है उसको फर्जी जमानतदार को खड़ा करने में, उसके फर्जी दस्तावेज बनाने में, उन सब पर जो है कार्रवाई की जाएगी। इसमें दो प्रिंटिंग प्रेस चिन्हित करी गई थी, और वहाँ से प्रिंटिंग प्रेस के दोनों जो मालिक हैं उनको आरोपी बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, जहाँ से हजारों की तादाद में ऋण पुस्तिकाएँ छापी गई थी, तो वो सब उनसे बरामद भी कर ली गई हैं। तो इस तरह से कार्रवाई इसमें लगातार चल रही है। जमानत कराने का जो आरोपी जो जमानत कराने का पैसा देते थे उसमें से इनको कुछ पार्ट इनको मिल जाया करता था, और उसमें से कुछ पार्टी जो जमानतदार जिसको खड़ा करते थे उसको भी देते थे। तो इस तरह से ये पूरा रैकेट संचालित होता था। इसमें अभी और आरोपी बनेंगे, इसमें जो इसमें उन्होंने अपना उन्होंने इसमें पूरे फ्रॉड को अंजाम देने में अपना सहभागिता रही है, सभी को हम इसमें आरोपी बनाएंगे।